नमस्कार। आज अपन देखेंगे अलग अलग तरह के जो एमसीबी होते हैं उसको रीसेट कैसे करते हैं, ट्रिप कैसे करते हैं, क्योंकि अगर गलत ढंग से रीसेट किया तो फिर सप्लाई नहीं बनेगी या कोई अन्य नुकसान हो सकता है या टूट फूट भी हो सकती है। तो यहाँ सभी एमसीबी लगे हुए हैं, देखो एबीबी मेक ये और ये मर्लिन गेरिन टाइप का है, ये भी एबीबी एक रोटेटिंग स्विच है और स्नाइडर मेक का पुश बटन टाइप है और ये सिंगल फेस का एबीबी है और ये मर्लिन गेरिन का भी सिंगल फेस है। तो यहाँ पे देख लेंगे अपन कि ये जो थ्री फेस होता है उसमें तीन नॉब होती है, 1 2 3, ऐसे इसको पहचान सकते हैं। और सिंगल फेस होता है उसमें एक नॉब ही रहेगी। तो इसको अपने आप ट्रिप होता है तो कैसे होता है, वो तो सर्किट में फॉल्ट होगा तो अपने आप ट्रिप हो जाएगा, लेकिन जब हमको अगर कभी ट्रिप करना है तो ये तीन स्क्रू आप देख रहे हैं, 1 2 और 3, तीनों फेस के अलग अलग स्क्रू हैं। इनमें से किसी एक को, ये लॉक है इस प्रकार समझने का, तो इसमें से किसी एक स्क्रू को भी हमने ऐसा कर दिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखो ट्रिप हो गया। अब इसको रीसेट करना है तो आप ऐसे ही रीसेट करोगे तो ये देखो रीसेट नहीं होगा, ये वापस गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। इसलिए पहले स्क्रू को सीधा करना है, उसके बाद ही इसको रीसेट करेंगे। ये सीधा कर दिया और इसके बाद में इसको रीसेट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि थ्री फेज का जो एमसीबी होता है उसको दोनों हाथ से करना है। अभी मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हाथ से कर रहा हूँ, अगर एक हाथ से करते तो भी इस प्रकार करना है। ये जो है इसको ट्रिप करेंगे, ट्रिप हाँ आराम से, ये ट्रिप किया, एक हाथ से करना है तो पूरा सपोर्ट देना। अगर अगर आप पूरा सपोर्ट नहीं देंगे तो इसमें कोई भी टूट फूट होगी। इसको सीधा कीजिए, अब ये देखो एक हाथ से करते हैं तो भी ऐसा पूरा सपोर्ट देके इस प्रकार रिसेट करना है। ठीक है, तो ये एबीबी टाइप का हुआ, ये मर्लिन गेरिन टाइप का, इसको ट्रिप करना है तो यहाँ से ये ट्रिप टी लिखा हुआ, यहाँ से ट्रिप कर देंगे, ये ट्रिप हो गया। जब लोको में अपने आप ट्रिप होगा तो ये इस प्रकार ट्रिप होगा। अब इसको रिसेट करना है, रिसेट करने के लिए सबसे पहले इसको नीचे ले जाएंगे, ये नीचे ले गए, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार ये जो है रिसेट होगा। एक बार और देख लेंगे, लोको में इस प्रकार ट्रिप होगा, इसको नीचे ले गए, ये ऊपर ले जाके इसको रिसेट कर देंगे, ये रिसेट हो गया। ये एबीबी में एक रोटेटिंग स्विच है, ये भी ट्रिप होता है तो ये ऐसे आ जाता है, इसके अंदर स्प्रिंग है, देखो आसानी से हो गया। रिसेट करना है तो वापस क्लॉक वाइज ये घुमा देंगे, रिसेट हो जाएगा। यहाँ पे ये पुश बटन वाला है, तो पुश बटन में ये जो है ये इस प्रकार ट्रिप करना है तो नहीं, ये नहीं, ये ट्रिप होता है और ये रिसेट होता है। ये सिंगल फेस वाला है, सिंगल फेस वाला ऐसे हो गया, इसको वापस रिसेट करेंगे, रिसेट है, हाँ रिसेट ही हो, ठीक है ऊपर कर दिया, रिसेट है। और ये सिंगल फेस का है, ये भी मर्लिन गेरिन का है, ये ट्रिप होता है तो या डबो, हाँ ये ट्रिप हो गया, इसको नीचे ले जाके ऊपर ले जाएंगे। तो इस प्रकार के ये एमसीबी रहते हैं, इनको रिसेट प्रॉपर तरीके से ही करना चाहिए, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी एमसीबी को रिसेट करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।